अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले एडवर्ब समझ लें कि एडवर्ब होता है क्या। उम्मीद है पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक नज़र सानी गो थ्रू करवा दूँ व्हाट इज एन एडवर्ब। Adverb is a word which modifies a verb, number one, a verb, number two, an adjective, and number three, another adverb. इसको modify करता है। Suppose adverb, verb की meaning में adding करना, addition करना, that is called adverb. Suppose अगर हम कहते हैं he ran fast, he runs fast, तो run fast. Past is used as an adverb. Adverb shows manner. Adverb shows time, place. Adverb shows reasons. Adverb shows how much, how often, extent, degree. ये सारी चीजों को adverb show करता है. Adverb place होता है. Adverb manner होता है. Adverb frequency होता है. Adverb degree होता है. ठीक है, adverb प्लेस होता है, ये सारी चीजें होती हैं, रीजंस होता है, ये सारे एडवर्ब कहलाते हैं। अब हमारे पास अगर इनमें से कोई भी चीज हो और उसके साथ कोई रिलेटेड वर्ड्स लगे हो तो फिर एक फ्रेज हो जाएगी जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल देम एन एडवर्ब फ्रेज। व्हाट इज एन एडवर्ब फ्रेज? नाउ लुक इट हियर ऑन द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. And if you understand, so please convey it to others. And if you did not subscribe my channel right now, so please subscribe it. Subscribe the channel first and watch the video from beginning to end. Okay? Now come to the point here. What is an adverb? Phrase, the concept of the phrase, I think so, is in your mind. Because I have already told you about the phrase. Now look at here. Hockey is very popular in our town. So what is popular? Hockey, okay? We are talking about hockey. But where it is popular? Where it is popular? कहाँ पर popular है? अब आप देख लीजिए, ये कहता है कि in our town. In our town. It shows place. ये adjective है, adverb है. ये देखिए, A-D-V, adverb. एडवर्ब फ्रेज ऑफ कोर्स एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज जो है ये किस चीज को शो कर रही है? एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, हम इसे कह सकते हैं। ये हमें आंसर दे रहा है डब्ल्यू एच ई आर यू वेयर, तो वो एडवर्ब जो प्लेस का आंसर दे फ्रेज। अब देखिए इन आर टाउन, टाउन इन है, आर है टाउन, ये थ्री वर्ड्स है हमारे पास। इनको अगर हम मर्ज कर दे तो ये एक पूरी फ्रेज है, इन आवर टाउन। सो इट डिपेंड, इट टेल्स अबाउट द एक्शन। सॉरी, हॉकी इज वेरी पॉपुलर, हॉकी बहुत पॉपुलर है। कहां पर पॉपुलर है? इन आवर टाउन, हमारे टाउन में, हमारे टाउन में। तो अब हमारे टाउन में पॉपुलर, तो एडवर्ब फ्रेज होगा ये, क्योंकि फ्रेज है। लेकिन आंसर किसका दे रहा है? वेयर, प्लेस का। तो वेयर इज, वेयर गिव्स द आंसर प्लेस, तो एडवर्ब प्लेस है यहाँ पर। तो इसलिए पूरी फ्रेज है, लेकिन अगर टाइम्स देखेंगे तो एडवर्ब फ्रेज है और कौन सी है? प्लेस, जगह को शो कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारी पूरी एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन प्लेस को जाहिर कर रहा है, वेयर को। तो ये हमें आंसर दे रहा है किसका? वेयर का। इसलिए हम कह सकते हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन एडवर्ब फ्रेज है। एग्जाम्पल नंबर टू, The flowers will bloom in spring. In spring. अब देखिए इन prepositions तो in spring. भाई flowers कब खिलेंगे? In spring. मौसम में, बाहर में फूल खिलेंगे। अब देखिए in spring. ये भी हमारी adverb phrase है, no doubt. इसे हम कह सकते हैं कि A D V adverb और P H adverb phrase. लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज किसका आंसर दे रही है हमें? टाइम का। व्हेन किसका आंसर दे रही है? डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन।
ये हमें when का आंसर दे रही है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज तो है इन स्प्रिंग, एडवर्ब फ्रेज तो है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है, टाइम का आंसर दे रही है, गेट इट। नाउ नंबर थ्री, अहमद डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑफ द बैड वेदर। ये देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, ये किस चीज का आंसर दे रहा है भाई? ये हमें आंसर दे रहा है व्हाई, रीजन भाई, वो क्यों नहीं गया ऑफिस। अहमद डिड नॉट गो टू हिज ऑफिस, अहमद अपने ऑफिस नहीं गया, क्यों नहीं गया? ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, मौसम खराब होने की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर गिव्स द आंसर व्हाई, रीजन, तो ये एडवर्ब रीजन होगा, इसलिए एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि एडवर्ब है इसमें, एडवर्ब रीजन है, तो ये एडवर्ब फ्रेज भी है, इसलिए ये हमें जो आंसर दे रहा है यहां पर, किसका आंसर दे रहा है? वाई, डब्ल्यू एच वाई, इसका आंसर दे रहा है, तो इसलिए हमारे पास एडवर्ब रीजन हो जाएगा। लेकिन ये पूरी यहां से यहां तक ये पूरी एक कंप्लीट फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है, गेट इट, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अहमद डिड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, बिकॉज द वेदर वॉज बैड, तो बिकॉज कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो भी रीजन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ द बैड वेदर, तो ये इस वक्त क्या हो गया, पूरा आंसर आपका वाई का रीजन हो गया, तो इसलिए पूरी ये जो फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज होगी, अभी एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगी, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होगी वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, ये जो ऑन अकाउंट ऑफ है नाउन और प्रोनाउन को नहीं मॉडिफाई कर रहा, बल्कि ये डिड नॉट गो को मैं मॉडिफाई कर रहा, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और खुद अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, डू यू गेट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट है, माय सिस्टर स्पोक इन अ कंडेंसेंट, सॉरी, माय सिस्टर स्पोक इन अ कंडिसेंडिंग मैनर, कंडिसेंडिंग मैनर, कंडिसेंडिंग के तो पहले मीनिंग्स पर सुन लीजिए, कंडिसेंडिंग का मतलब वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, वेरी, हम कह सकते हैं आजजी उनके सारी के साथ, तो अब देख लीजिए इसमें वेरी पोलाइट इन अ कंडिसेंडिंग मैनर, सो इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ, हाउ डिड शी स्पीक, कैसे बोली, इन अ वेरी कंडिसेंडिंग मैनर, तो अब ये एडवर्ब ये भी फ्रेज हो जाएगा, लेकिन ये हमें आंसर दे रहा है किसका, हाउ का, तो ये हाउ का भी आंसर दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, गेट इट, तो ये पूरी फ्रेज होगी, ये एडवर्ब फ्रेज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर मेनी इयर्स कॉमा शी हैज बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, शी हैज बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ मेनी इयर्स, फॉर मेनी इयर्स, अब ये फॉर मेनी इयर्स ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, ये किसका हमें आंसर दे रही है, सुन लीजिए, ये हमें आंसर दे रही है टू व्हाट एक्सटेंड का, टू व्हाट, डब्ल्यू ए जी टी, व्हाट ई एक्स टी ए एन टी, टू व्हाट एक्सटेंड, ठीक है, आप देख लीजिए ई ए, ठीक है, व्हाट एक्सटेंड का आंसर दे रही है हमें, इट मींस के कितना वक्त हुआ है, अब ये पूरा ए भी टाइम है, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंड कितना वक्त है, फ्रॉम मेनी इयर्स शी हैज बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, अब ये जो अंडरलाइन है रेड से जो हमने अंडरलाइन किया है, ये सारे एडवर्ब फ्रेज हैं, सो एडवर्ब फ्रेज हमें आंसर देगा हाउ, सुन लीजिए, वेयर का, व्हेन का फ्रेज, उस फ्रेज में वेयर का आंसर होगा, When का आंसर होगा, why का आंसर हो सकता है, how का हो सकता है, to what extent का हो सकता है, लेकिन ये सारे reasons हो सकती हैं उसमें, adverb place हो सकता है, time हो सकता है, manner हो सकता है, तो ये चीजें आपने ज़हन में रखी, इंशाल्लाह in the exams you will not be confused, two or three times I have already mentioned you in my lecture, please clear your vision, if your vision is clear
so there would be no confusion. If confusion remains same, so it means you are not learning exact point of view. If you want to learn exact, inshallah, you will not be confused. Nobody can confuse you. Getting? Please subscribe my channel, keep watching, and pray for those who are the victim of coronavirus. Okay? And please contact God and pray to Him. Thank you so much. Have a nice day. Shad rahiye, abad rahiye, and wait for the next video for the another kind of means, that is called the infinitive phrase, participle phrase, gerund phrase. Okay, these are also the phrases of appositive phrase. Ye sari phrases hoti hain. Inshallah, time after time you will see and watch the videos and learn and pass your exam with flying colors. Allah Hafiz. Fi Amanillah.